आधा नवंबर बीत चुका है लेकिन सर्दियों का अभी तक कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। 14 नवंबर की सुबह प्रदूषण और कोहरे से बना स्मॉग लोगों को परेशान करता रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और दक्षिण भारत में बारिश का असर अगले हफ्ते से भारत के कुछ राज्यों में देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है लेकिन कोहरा और बादल छाए रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल के दूसरे इलाकों शिमला सोलन समेत कई जगह पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी रहेगा और आने वाले दिनों में तमिलनाडु और केरल में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है जिससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी।